एकता कपूर का वो शो जिसको इसी साल ऑन एयर किया गया था, आखिर क्या है, आखिर क्यों इस शो को लेकर आ रही है बुरी खबर। इसके साथ साथ क्या ऐसी वजह आ चुकी है कि शो को ऑफ एयर करने की भी मांग की जा रही है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब टू देख तमाशा टीवी का। सोनी टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा शो अपनापन बदलते रिश्तों का बंधन, ये शो इसी साल शुरू हुआ है। 15 जून को इस शो को वैसे तो टेलीकास्ट किया गया था, शो अपने ऑन एयर होने से पहले ही बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी में फंसा था। कई सारे फैंस इसके प्रोमो को लेके बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, बाद में मेकर्स ने शो को रिलीज़ किया। इसे शो रिलीज़ तो हो गया, लेकिन शो आज तक कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। शो के ऑफ एयर होने की मेन वजह है सोनी टीवी पे गिरती टीआरपी। इस शो में 0.3-0.7 की टीआरपी आ रही है, जो कि बहुत कम है सोनी टीवी के मुकाबले, और सोनी टीवी इस शो को आने वाले दिनों में ऑफ एयर कर सकता है। ये शो उन शोज़ में से है जो 2022 के एंड में आपके नज़रों से ओझल हो जाएंगे। इस शो में आपको राजश्री ठाकुर, नाज खान आपको देखने को मिल रहे हैं, इनके अलावा महक गाई भी इस शो में नज़र आ रही हैं। और इस शो की ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट एक फैमिली ड्रामा शो था, लेकिन कहीं ना कहीं एकता कपूर का ये डेली सोप हो चुका है फ्लॉप। अगर आप भी इस शो को देखते हैं तो आपके पास है एक लास्ट चांस। अगर आप इस शो को बचाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट टीआरपी रेटिंग में, यानी कि ऑनलाइन नहीं, आपको टेलीविजन पे इस शो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करना होगा, सो दैट यू कैन सेव दिस टीवी शो। खैर, अब मैं जानना चाहूँगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू, क्या ये शो ऑफ एयर हो जाना चाहिए या आपको लगता है कि इस शो को तो एक्सटेंशन मिलना चाहिए। भाई, अगर इतने ही महीनों में, 2 से 3 महीनों में ही अगर आप डिसाइड कर लोगे कि शो फ्लॉप हो गया है या शो हिट हो गया है, तो इतने सालों से जो शो चल रहे हैं वो कभी नहीं चलते। ऐसे में इस शो को एक्सटेंशन मिलना चाहिए, या आपको लगता है कि शो में मज़ा ही नहीं है, ये शो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहा है, बोर कर रहा है, जिसके चलते हम इस शो को नहीं देखना चाहेंगे, इसके अलावा किसी नए शो को लाया जाए, एंजॉय दोस्त शो। आप अपना ओपिनियन बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, दिवाली की लास्ट सेल लाइव हो चुकी है, तो आप अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, आजियो, मिंत्रा और बहुत सारे ढेरों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बड़ी बड़ी डील्स को ग्रैब करना अगर मिस कर गए हो तो आज ही जाओ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जाके शॉप करो, बड़े बड़े डिस्काउंट मिलेंगे। और यही है आखिरी मौका। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।